नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। जिस तरह कभी यूपी व बिहार में रात के समय हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को बंदूक की नोक पर डरा धमका कर लूट लिया जाता था, लगभग वैसी ही घटना बीती रात अमरावती नागपुर हाईवे पर घटित हुई, जब शेगांव से अमरावती होकर नागपुर की ओर जा रही 19 सीटर टेम्पो ट्रेवलर मिनी बस पर बोलेरो वाहन में सवार होकर आए कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक ही फायरिंग करनी शुरू की और बस की ओर निशाना साधते हुए 4 गोलियां चलाई। इसमें से एक गोली मिनी बस के चालक के हाथ को छू कर निकली। अचानक घटित हुई इस घटना के बाद मिनी बस चालक ने अपना संयम न खोते हुए समय सूचकता दिखाई और मिनी बस को तेजी से आगे बढ़ाते हुए पुलिस थाने पहुंचकर बस पर हुई गोलीबारी की जानकारी दी, जिसके बाद तिवसा पुलिस ने इस बारे में नांदगांव पेट पुलिस सहित पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया। घटनास्थल नांदगांव पेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने के चलते नांदगांव पेट पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल करनी शुरू की। इसी तरह बीती रात ही बोलेरो में सवार 5 लोगों ने अमरावती नागपुर हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक चालक व क्लीनर का बंदूक की नोक पर बोलेरो वाहन में बिठाकर अपहरण कर लिया, जिसके बाद उन्हें एक सुनसान स्थान पर ले जाकर छोड़ते हुए उनके पास से 9,200 रुपए व उनके 2 मोबाइल छीन लिए गए। साथ ही इस दौरान उन 5 आरोपियों में से एक आरोपी इस ट्रक चालक का ट्रक भी लेकर भाग गया। दोनों घटनाओं के मद्देनजर बंदूकबाज लुटेरों की तलाश हेतु पुलिस का पथक तुरंत नागपुर के लिए रवाना किया गया। इस घटना के चलते मिनी बस में सवार यात्रियों सहित अमरावती के शहरी व ग्रामीण इलाकों में अच्छी खासी दहशत व्याप्त है तथा अमरावती नागपुर हाईवे पर रात के समय यात्रा करने को लेकर लोगों में अब डर देखा जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले भी नांदगांव पेट के निकट एक वाहन पर कथित रूप से गोलीबारी व पथराव किए जाने की घटना घटित हुई थी। आज दोपहर बाद संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय पर पांडरी खानमपुर के अंबेडकरी समाज बंधुओं द्वारा किए गए उग्र प्रदर्शन में शहर एवं ग्रामीण पुलिस के करीब 50 से 60 पुलिस कर्मियों के बुरी तरह से घायल होने की जानकारी सामने आई है। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने पुलिस पार्टी की ओर जमकर पत्थर बरसाए, साथ ही पुलिस एवं दमकल वाहनों के साथ तोड़फोड़ भी की। इस समय पुलिस एवं दमकल के वाहनों में सवार पुलिस व दमकल कर्मियों ने जैसे तैसे उग्र भीड़ से बचते हुए अपनी जान बचाई। इस उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस के करीब 8 से 10 वाहन सहित एक दमकल वाहन तथा अनेकों निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसे में इस प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान का पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जायजा लिया जा रहा है। वहीं आंदोलनकारियों ने संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगे गेट को भी पत्थरबाजी करते हुए बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया, ऐसी जानकारी सामने आई। इस घटना को लेकर सामने आए वीडियो फुटेज के जरिए पुलिस अब आरोपियों की शिनाख्त करते हुए जल्द ही धरपकड़ अभियान करना शुरू करेगी, ऐसा भी विश्वसनीय सूत्रों के जरिए पता चला है। इस बारे में मंडल न्यूज के साथ बात करते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने कहा कि फिलहाल निश्चित तौर पर कितना नुकसान हुआ है इसका आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, लेकिन आंदोलन की वजह से हुए नुकसान की समीक्षा करते हुए सभी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। मोहबाइकांनी जाऊन दुरून सर्व दगडफेक केलेले आहे, त्याच्यामध्ये काही गाड्यांचे काच फुटले, काही पोलीस जखमी झालेले आहेत आणि त्या क्रो आणखी व्हायलंट जो मॉब झाला होता त्याला डिस्पर्स करण्यासाठी मोबाईल लाठी चार्ज केला, त्यानंतर अश्रुधूर जे वापर केलेला आहे तो मॉब जो आहे तो जो व्हायलंट झाला होता तो पूर्णपणे डिस्पर्स झालेला आहे। आमची पहिली प्राथमिक की गावात शांतता राहावी, शहरामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या अफवावर कोणी विश्वास ठेवू नये। शहरात सध्या सर्व ठिकाणी फिक्स पॉईंट पेट्रोलिंग लावण्यात आलेली आहे, कोणी कुठल्याही अफवावर विश्वास ठेवू नये, सर्व ठिकाणी शांतता आहे। बडनेरा रेलवे स्टेशन के पास साकार किए गए रेलवे वैगन दुरुस्ती कारखाने का कल 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन होने जा रहा है। इसके साथ ही शहर से जिले में एक बड़े प्रकल्प की प्रत्यक्ष शुरुआत होगी और इस प्रकल्प के जरिए जिले में बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध होगा। जानकारी के मुताबिक देश के अलग अलग स्थानों पर स्थित विविध रेलवे प्रकल्पों का उद्घाटन कल 12 मार्च को एक साथ एक ही समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। छत्रपति शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास सारथी संस्था का अमरावती विभागीय मुख्यालय नवसारी में लगभग 5 एकड़ जमीन पर बनने जा रहा है, जिसके लिए राज्य कैबिनेट ने आज सर्वे नंबर 133 व सर्वे नंबर 29 में लगभग 5 एकड़ जमीन आवंटन को स्वीकृति दे दी है, जिससे उक्त जमीन पर शीघ्र ही मुख्यालय भवन साकार होगा। टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी देते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने मंडल न्यूज से कहा कि उक्त जगह पर खेल के मैदान व अन्य प्रयोजन का आरक्षण रद्द करने का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अमरावती जिला नियोजन समिति पर शिवसेना शिंदे गुट के जिला प्रमुख अरुण पटोले व गोपाल अरबट पाटिल सहित निशान धरने व धारणी निवासी शैलेश मालवीय का विशेष निमंत्रित सदस्य के तौर पर नाम निर्देशन किया गया है, जिसे राज्य सरकार के नियोजन विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए मान्यता प्रदान की गई है। सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्रज्वलन 2024 का उद्घाटन कल 12 मार्च को सुबह लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता गिरीश जोशी के हाथों होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य एएम महल्ले करेंगे, यह जानकारी आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से दी गई। साथ ही बताया गया कि 2 दिवसीय टेक फेस्ट में 21 इवेंट रखे गए हैं, जिसमें पूरे विदर्भ से अभियांत्रिकी छात्र छात्राएं अपने मॉडल इस फेस्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं। जिला शहरोग अधिकारी रमेश बंसोड़ ने बताया कि शहरोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावी रूप से चलाकर चयनित 70 ग्राम पंचायतों में से 42 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो गई हैं। इसके लिए किए गए प्रयासों की जानकारी आज रमेश बंसोड़ द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई।
इंडिया आघाड़ी के रूप में शिवसेना उभाठा माकपा भाकपा कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस राकापा शरद पवार पार्टी ने साथ मिलकर स्टेट बैंक के सामने आज दोपहर आंदोलन करते हुए चुनावी चंदा देने वालों के नामों की घोषणा करने का इंडिया आघाड़ी के नेताओं का कहना रहा कि वे सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं। करने के लिए खुद तो मोदी ने केला हा जो काही रोखे बॉन्डच्या स्वरूपातला जो हा पैसा हा काळा पैसा आहे म्हणजे जो काळा पैसा हे देशा बाहेर काढणार होते हा काळा पैसा बाहेर न काढता यांनी यांच्या पक्षाच्या नावावर त्याचं रोखे बॉन्डमध्ये रूपांतर केलं आणि SBI मध्ये भरला। नोटाबंदीच्या काळात जे काही प्रकरणं झाले हा सगळा काळा पैसा आहे आणि हा पैसा भारतीय जनता पक्षानं त्याच्या अकाउंटवर या पंतप्रधान मोदींच्या अकाउंटवर ज्याचं नाव प्राईम मिनिस्टर फंड म्हणून जो त्यांनी केला वैयक्तिक तर ह्या स्वरूपातला हा काळा पैसा आहे आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा दाबण्याचं काम हे मोदी सरकार करत आहे आणि या माध्यमातून देशातील प्रशासन असेल देशातील राजकीय पक्ष असेल याला मारण्याचं याला देशोधडीला लावण्याचं एक षडयंत्र या पैशाच्या बळावर या काळ्या पैशाच्या जोरावर या मोदी सरकारनं केलं आहे। त्यामुळं हे मोदी सरकार हे करप्ट भ्रष्टाचारी दडपशाही आणि अतिशय हुकुमशाही पद्धतीनं असलेलं सरकार आहे। विदर्भ बलिराजा प्रकल्प संगठन का पुनर्वास व सरकारी नौकरी सहित अन्य मांगों के लिए 7 मार्च से शुरू आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों का कहना रहा कि अब आंदोलकों द्वारा कठोर भूमिका अपनाई जाएगी और राज्य में नेताओं को कहीं भी घूमने नहीं दिया जाएगा। धनगर समाज संघर्ष समिति की ओर से धनगर समाज का द्वितीय राज्य स्तरीय अधिवेशन गत रोज अमरावती में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्व सांसद पद्मश्री विकास महात्मे ने कहा कि भारतीय संविधान में धनगर समाज को दिए अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर सरकार द्वारा अमल नहीं किए जाने के चलते समाज बंधुओं में तीव्र रोष निर्माण हुआ है और धनगर समाज के आरक्षण में किसी भी तरह के समझौते को मंजूर नहीं किया जाएगा। पंचवटी चौक स्थित विमलाबाई देशमुख सभागार में रविवार को आयोजित आदिवासी संघर्ष समिति की संविधान सम्मान आदिवासी न्याय हक परिषद में मार्गदर्शन करते हुए ट्राइबल फोरम के अध्यक्ष प्रमोद घोड़ाम ने कहा कि आदिवासी समाज पर होने वाले अन्याय के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता। उन्होंने आदिवासी समाज की अनदेखी का आरोप स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी लगाया। रैली प्लॉट स्थित गोवर्धन नाथ जी हवेली सत्संग मंडल द्वारा मुंबई के बोरीवली स्थित मोटा मंदिर के युवा वैष्णवाचार्य हिलक कुमार महोदय व मातृचरण प्राची बहुजी के पावन सानिध्य में ठाकुर जी को अति प्रिय वासंत धमार फाग रसिया महोत्सव का प्रारंभ रविवार की शाम हुआ। इस अवसर पर सभी वैष्णवों ने मंत्रमुग्ध होकर वचनामृत व रसिया का जमकर आनंद लिया। आप संसार में रह रहे हो यानी दुख आपसे जुड़ा ही हुआ, उससे छूट नहीं सकते। तो इन शास्त्रों का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि हम इस दुख से दूर हो। इस कारण से भगवान नाम लिया जाता है ताकि व्यक्ति दुखी नहीं हो। पश्चिम विदर्भ की गर्मी हमेशा ही रिकॉर्ड तोड़ती आई है। इस बार भी मार्च के दूसरे सप्ताह से पारा चढ़ने लगा है और पश्चिम विदर्भ के अकोला में रविवार को पारा 38.4 डिग्री दर्ज किया गया। इस समय चारों ओर तेज धूप पड़ रही है जिसका असर जल संग्रह सूखने पर हो रहा है, साथ ही पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक व किडनी विशेषज्ञ अरुण हरवाणी का आज सुबह बेहद शोकाकुल वातावरण के बीच शंकरनगर स्थित मोक्षधाम पर अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले सुबह 9 बजे हरवाणी नगर दुर्गा प्लॉट स्थित निवास स्थान से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इस समय राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने भी दिवंगत डॉक्टर अरुण हरवाणी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा सहित कई गणमान्यों ने उनके अंतिम दर्शन लिए। 62 वर्षीय डॉक्टर अरुण हरवाणी का विगत शनिवार की सुबह तीव्र हृदयाघात के चलते निधन हो गया था। तीसरा के अपरवर्दा बांध की नहर में डूबने से 90 वर्षीय किसान की तथा मोर्शी तहसील के कौठाल गांव के स्मशान भूमि के निकट पुल के नीचे 40 वर्षीय महिला की डूबने से मौत हो गई। मृतकों के नाम तीसरा निवासी महादेव ठाकरे व मध्य प्रदेश के आमला तहसील की कोठाना गांव में रहने वाली गुंटा युवना से पता चले। एक युवती को शेगांव ले जाकर विवाह करने का आश्वासन दिया गया और रात में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पश्चात युवक व उसके परिजनों ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 24 वर्षीय पीड़ित युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया और गाड़गनगर पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। ऐसे में पुलिस ने युवक उसके भाई व पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। ऐसे में गाड़गनगर पुलिस ने अक्षय वैराले नामक युवक सहित उसके भाई राहुल वैराले व पिता सुनील वैराले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। चिगलदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कन्हेरी गांव में रहने वाले सहदेव मावसकर नामक युवक ने विवाह में ससुराल से कुछ नहीं मिलने की वजह को आगे करते हुए अपनी पत्नी पर अत्याचार शुरू किए थे और पत्नी के साथ हमेशा गाली गलौज कर मारपीट किया करता था। साथ ही उसने शराब के नशे में धूत होकर आभूषण छीनकर पत्नी को घर से बाहर निकाला, जिसकी शिकायत मिलने पर चिगलदरा पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। तलेगांव दशासर में रहने वाली महिला पुलिसकर्मी के पति अंकुश बंसोड़ ने रविवार 10 मार्च की सुबह पुलिस क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अंकुश बंसोड़ की पत्नी तलेगांव दशासर पुलिस थाने में कार्यरत है, जबकि खुद अंकुश यवतमाल जिले के बाबुलगांव तहसील अंतर्गत पिंपलखुड़ा बारड गांव में रहकर खेतीबाड़ी करता था और प्रति सप्ताह अवकाश के दिन तलेगांव आता था।
धारणी से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भवर गांव के किसान विश्राम भिलावेकर ने शनिवार को खेत से घर लौटते समय बीच रास्ते में पेड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विश्राम भिलावेकर के सिर पर काफी कर्ज चढ़ गया था, जिसे अदा करने की उसे चिंता थी। बंडेरा पुलिस के दल ने पेट्रोलिंग के दौरान शैलाई मंगल कार्यालय के पास रहने वाले राहुल मेश्राम नामक युवक को प्लास्टिक के बोरे में 3 पेटी देशी शराब अवैध रूप से ले जाते हुए पकड़ा और शराब सहित उसकी दुपहिया को भी जब्त करते हुए उसे अपनी हिरासत में लिया। शनिवार 9 मार्च की रात अकोला पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी करते हुए वाहनों की जांच की। इस समय पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले हिस्ट्री शीटरों के घर की तलाशी ली गई तो पुलिस ने 5 तीक्ष्ण हथियार बरामद किए। अकोला शहर के खदान थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले और कक्षा 9वीं के छात्र अल्तमश बेग इमरान बेग ने रविवार 10 मार्च को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नेर शहर के गांधीनगर निवासी और रेस्टोरेंट मालिक विनोद बनकर शनिवार की शाम घर से बाहर निकले, लेकिन रात को घर पर नहीं लौटे। वहीं अगले दिन सुबह विनोद बनकर की उनके खेत से सटकर स्थित खेत में पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकी लाश बरामद हुई। आर्मी शहर के देवरवाड़ा मार्ग स्थित एक फर्नीचर की दुकान में शनिवार 9 मार्च की मध्य रात्रि को भीषण आग लगी। इस आग में फर्नीचर सहित वहां खड़े 2 दुपहिया वाहन जलकर खाक हो गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अकोला के पातू थाना क्षेत्र में आने वाले पातू अकोला रोड के कापसी रोड गांव के पास कार व दुपहिया वाहन के बीच हुई भिड़ंत में दुपहिया पर सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। यह हादसा रविवार को दोपहर 3 बजे के दौरान घटित हुआ। मृतकों की शिनाख्त अकोला शहर के शिवनी निवासी आशीष खंडारे व आदित्य खंडारे के तौर पर हुई है। समृद्धि महामार्ग के लोकेशन 175 यानी कारंजा तहसील के दोनत गांव के पास हाइड्रोजन मोनोक्साइड नामक केमिकल लेकर जा रहे ट्रक ने सड़क पर खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में हाइड्रोजन से भरा ट्रक जलकर राख हो गया। यह घटना 11 मार्च की सुबह घटित हुई। हादसे में चालक व क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुए।